दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद अक्रम में। और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कुछ शानदार वोकैबुलरीज। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग होते हैं, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहला शब्द है हमारा अंधा, और अंधे को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लाइंड। लेट्स हैव एन एग्जांपल। ब्लाइंड पीपल कैन नॉट सी बट दे कैन फील। अंधे लोग देख नहीं सकते लेकिन वे महसूस कर सकते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे शब्द की ओर। हमारा दूसरा शब्द है काना, और काने को हम इंग्लिश में बोलते हैं वन आइड मैन। काना यानी कि एक आंख वाला। लेट्स हैव एन एग्जांपल। देयर लीडर वाज वन आइड मैन। उनका सरदार काना था, यानी उनका सरदार एक आंख वाला था। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। और अगला शब्द है हमारा टकला, और टकले को हम इंग्लिश में बोलते हैं बोल्ड। इसकी जो दोस्तों प्रोनंसिएशन है वो बोल्ड है, इसको हम बाल्ड नहीं बोलते, या इसको हमें बाल्ड नहीं बोलना चाहिए। लेट्स हैव एन एग्जांपल। आई गेट बोल्ड इन समर। मैं गर्मियों में गंजा हो जाता हूँ। दोस्तों अगला शब्द है हमारा लंगड़ा, और लंगड़े को हम इंग्लिश में बोलते हैं लैम। आइए देखते हैं एग्जांपल। ही कैन नॉट रन बिकॉज ही इज लैम। वह दौड़ नहीं सकता क्योंकि वह लंगड़ा है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। और अगला शब्द है हमारा दत्तो या दत्तू, यानी कि ऐसे लोग जिनके दांत बाहर होते हैं, तो उनको हम जो है बोलते हैं दत्तू या दत्तो। खैर ये शब्द जो है चिढ़ाने के लिए मोस्टली यूज़ होता है। इसका मीनिंग देखते हैं क्या है। इसका मीनिंग है बक टूथेड या बक टीथेड भी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल। हिज गर्लफ्रेंड इज बक टीथेड। उसकी गर्लफ्रेंड बक टीथेड है, यानी उसकी गर्लफ्रेंड दत्तो है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है हमारा तोतला। तोतले को हम लिस्पर बोलते हैं। तोतला मतलब जो तोतलाता है, ठीक है। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल। शक्ति कपूर वाज लिस्पर इन राजा बाबू मूवी। शक्ति कपूर राजा बाबू मूवी में लिस्पर था, यानी तोतला था। शक्ति कपूर राजा बाबू मूवी में तोतला था। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। और अगला शब्द है हमारा हकला, और हकले को हम बोलते हैं स्टैमरर, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो हकलाता है, जो बोलने में अटकता है। लेट्स हैव एन एग्जांपल। माय ब्रदर कैन नॉट डिलीवर स्पीच बिकॉज ही इज स्टैमरर। मेरा भाई स्पीच नहीं दे सकता क्योंकि वह हकला है। आप दोस्तों बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है हमारा बहरा, और बहरे को हम इंग्लिश में बोलते हैं डैफ। इस शब्द को दोस्तों हमें डैफ पढ़ना चाहिए या डैफ बोलना चाहिए, क्योंकि इसकी जो प्रोनंसिएशन डैफ है, डीफ नहीं है। सेम एग्जांपल। डैफ एंड डम पीपल टॉक बाय जेस्चर। डैफ एंड डम पीपल टॉक बाय जेस्चर। बहरे और गूंगे लोग इशारों से बात करते हैं। दोस्तों अगला शब्द है हमारा गूंगा। गूंगे को हम डम बोलते हैं, और इसमें बी साइलेंट होता है, जो लास्ट में बी है वो साइलेंट होगा। एग्जांपल देखिए। ही कैन नॉट आंसर यू बिकॉज ही इज डम। वह तुम्हें आंसर जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वह गूंगा है। सो दोस्तों ये थी वीडियो। होपफुली यू अंडरस्टूड ऑल द वर्ड्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।